आज बनाने का ट्राई कर रही हूँ मैं पोहा नमकीन, और मैंने इसकी दो साइड ले रखे हैं और देखते हैं ये अच्छा बनता है कि नहीं। बट चलो ठीक है, एक साइड तो मैंने ले लिया है। इसको मैं थोड़ा अच्छे से लो फ्लेम पर ही अच्छे से रोस्ट वगैरह करूँगी ताकि ये थोड़ा क्रिस्पी हो जाए। जब ये क्रिस्पी होगा तब निकालेंगे। ये है करी लीफ जिसे मैंने ऑलरेडी फ्राई कर लिया, और ये है मेरा दूसरा सेट, और ये काफ़ी अभी थोड़ा क्रिस्प हो रहा है। इसको थोड़ा सा अभी और होने देंगे गैस पे। तो ये देखो, ये मैंने एक्चुअली दूसरा सेट इसका ले लिया है। फर्स्ट सेट इसका क्रिस्प हो चुका था तो मैंने उसको साइड में निकाल लिया है। ये अभी दूसरा सेट चल रहा है मेरा। ये दूसरा सेट भी काफ़ी अच्छे से क्रिस्प हो रहा है, तो इसको भी ढंग से हम अच्छे से क्रिस्प कर लेंगे ताकि ये काफ़ी कुरकुरा फील होगा जब हम इसे खाएंगे। तो ये ऑलमोस्ट हो गया है तो मैंने निकाल लिया है, लेकिन जो दूसरा वाला सेट है उसको मैंने अभी साइड में करके रखा हुआ है। तो चलो अब बारी आती है मूंगफली की। मुझे बहुत पसंद है मूंगफली पोहा में, तो मैं तो थोड़ा ज़्यादा ही मूंगफली डालती हूँ। तो अब इसको फ्राई करने वाले हैं हम। तो इसको मैं तब तक फ्राई करूँगी जब तक ये काफ़ी अच्छे से ब्राउन ना हो जाए। एकदम जलाना भी नहीं है वरना इसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो थोड़ी देर में मैं इसे निकाल लेती हूँ। तो फाइनली इतना हो गया है। ये अनियन को देखो, मैंने इस शेप में ऐसे काट लिया है पतला पतला। अब मैं इसको करने वाली हूँ फ्राई। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। इसको अच्छे से फ्राई होने देते हैं। देखिए, मैंने इसमें से थोड़ा सा और जो करी लीव्स थे उसमें डाल दिए थे, क्योंकि मैंने एकदम पूरे तरीके से फ्राई नहीं किया था, थोड़ा सा कच्चा रखा था। और ये ले लिया था मैंने अमचूर, और इस अमचूर को मैं डाल दूँगी इस पर। इससे क्या होता है, थोड़ा टेस्ट अच्छा आता है। तब तक ये ऑलरेडी हमारी करी लीव प्लस ये हमारा अनियन अच्छे से फ्राई हो रहा है। जैसे ही ब्राउन होना शुरू हो जाएगा तब हम गैस बंद कर देंगे। गैस बंद कर दी मैंने। इसको ओवर फ्राई नहीं करना है, और इसी टाइम पर मैंने इसमें क्या कर दिया है, हल्दी मिर्ची वगैरह डाल के पोहा वगैरह सब मिक्स कर लिया, क्योंकि मैं ये सब बंद गैस में ही करती हूँ। वरना क्या है, अगर आप उसे लो फ्लेम पे भी करते हैं तो ये इतना थिन पोहा होता है कि ये जलना शुरू हो जाता है, फिर पूरा टेस्ट ख़राब हो जाएगा। इसलिए इसको लो फ्लेम पे करिए आप। मैंने तो पहले बंद कर दिया था, फिर मैंने सारा कुछ डाल दिया, पूरा हल्दी मिर्ची नमक वमक सारा कुछ जितना भी आइटम आपको इसमें डालना है। और फिर उसके बाद आप इसे फ्लेम पे फ्राई करिए, और इसको बहुत अच्छे से फ्राई करिए ताकि क्रिस्पी हो जाए। वरना अगर क्रिस्पी नहीं होगा ना तो फिर ये बाद में अच्छा टेस्ट नहीं करेगा। चलो भाई, इसे थोड़ी देर और मैं करती हूँ।